आपको हेल्प कर सकता है बिकॉज दे डोंट चार्ज एनी फीस इन स्टार्टिंग. यू हैव टू पे योर यू हैव टू यू डोंट हैव टू पे एनी अ सिंगल पेनी इन द स्टार्टिंग. यू जस्ट नीड टू लर्न योर कॉन्सेप्ट एंड गेट अ न्यू जॉब. तो ठीक है, इन स्टार्टिंग यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. तो इंडस्ट्री क्या करती है, दे विल प्रिपेयर यू फॉर योर कैरियर इन टेक. इधर यू आर अ स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड अ वुमन विद नो कोडिंग बैकग्राउंड, सो दे विल प्रिपेयर यू फॉर योर कैरियर इन टेक. तो यार इससे अच्छा क्या हो सकता है कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग इन द स्टार्टिंग. यू हैव टू पे व्हेन यू गेट अ जॉब. तो आप डेफिनेटली चेक करना न्यूट्रिशन के बारे में. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. तो ठीक है यार, इस वीडियो में देखने वाले हैं तो सेम क्वेश्चन, तो रिवर्स एरे. बट इसको क्या करने वाले हैं, इसमें यार पहले हमने क्या किया था, देखा कि हमने क्या किया था, न्यू एरे ले लिया था फर्स्ट वाले में, न्यू एरे बना के एंड उसके लास्ट से, ये हमारा ओरिजिनल एरे है, इसके लास्ट का एलिमेंट इसके यहाँ इसके पहले में आ गया, फिर इसके लास्ट एलिमेंट यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया. मतलब क्या किया था हमने, हमने अपना ओरिजिनल एरे का ओरिजिनल एरे के लास्ट से ट्रेवल करना स्टार्ट किया था एंड अपने जो न्यू एरे बनाया है उसके फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट स्टोर करना स्टार्ट कर दिया था. बट यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करेंगे, सेम उसी एक्स्ट्रा स्पेस क्या बोल रहा हूँ मैं, ये भी देखते हैं. जैसे देखो ये एरे हमारे पास है, सपोज कि यहाँ पे कुछ वैल्यू है 1, 5, 4, 15, 10, 11. अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इसको रिवर्स करने के लिए, ये हमारे पास एरे, अगर हम इसको रिवर्स करने के लिए एक नया एरे बना ले रहे हैं एंड यहाँ पे फिर एलिमेंट्स को कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे आ गई ये पीछे ऐसे करके, तो ये क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस हो रहा है. एक्स्ट्रा स्पेस क्या कि हमने तो एक एरे पहले से बनाया हुआ है, ये हमारा डिफॉल्ट एरे है, बट इसको रिवर्स करने के लिए ना इसकी एक नया एरे बना रहे हैं. नया एरे बनाएंगे मतलब क्या, मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं अपने अपने कुछ मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं ना अपने अपने प्रोग्राम के लिए. तो वही बोले कि अगर हम नया एरे बना रहे हैं तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं आप, साइज एन, अगर इसका साइज एन है तो इसका भी साइज एन है, तो सेम साइज का एक एरे बना रहे हैं, तो मतलब एन एन साइज का स्पेस हमने एक्स्ट्रा लिया है अपने कोड के लिए. तो इस बार हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ना ही कोई एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे, ना ही कोई लास्ट से पॉइंट लास्ट से ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे. ट्रेवल तो करेंगे बट उसका कोई अप्रूव दूसरा होगा. इस बार क्या करने वाले हैं, एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे, एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे एंड इन दोनों को स्वैप कर देंगे, जो वैल्यू 11 थी वो 1 हो जाएगी. एंड यहाँ पे जैसे देखो क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा एरे है, सपोज एरे वही है, यही एरे है हमारा, बस मैं आपको ये विजुअल दे रहा हूँ, ये विजुअल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ होगा नहीं, मतलब इंटरनली ऐसा होगा, एक्चुअली मैं ऐसा कोई एरे नहीं बना रहे होंगे हम लोग, बस ये आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ. जैसे देखो मैंने क्या किया, पहले एक पॉइंटर यहाँ रखे, एक पॉइंटर यहाँ रखे, 11 को और 1 को स्वैप कर दिया, तो 1 11 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, ठीक है. अब क्या हुआ, अब इसको हटाओ, अब इन दोनों पॉइंटर्स को यहाँ ले जाओ, अब ये दोनों पॉइंटर्स यहाँ आ गए, अब इन दोनों को स्वैप कर दो. अब देखो 10 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, ठीक है. अब पॉइंटर्स को आगे बढ़ा दो, 4 यहाँ आ गया, 15 यहाँ आ गया, ओके ओके ओके. मैंने ना ये एरे का साइज थोड़ा छोटा छोटा कर दिया था, आई थिंक मुझे एरे बनाना 6 साइज का, तो मैंने 6 साइज का एरे बनाया नहीं है यहाँ पे, फिर से कर देते हैं इसको, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, ओके अभी ठीक है. हमने क्या किया, सबसे पहले हमें 1 को और 11, एक बात करते हैं, पहले पॉइंटर्स को सही जगह पर रखते हैं, एक पॉइंटर हमारा यहाँ स्टार्टिंग में, एक पॉइंटर यहाँ, इसको 11 को और 1 को स्वैप कर दो, कर दिया, 11 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया. अब पॉइंटर्स को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे ले जाओ, 5 पे 10 पे ले जाओ, अब इन दोनों को स्वैप कर दो, कर दिया, 10 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया. अब क्या करना है, हमें पॉइंटर्स को आगे बढ़ाओ एक से, फिर से पॉइंट एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, 15 यहाँ, 4 यहाँ, देखो आपका एरे स्वैप हो गया पूरा. क्या अगर स्वैप करेंगे तो क्या आएगा, 11 10 15 4 5 1, वही है 11 10 15 4 5 1, बस हमें यही करना है. अब जरा देखो कैसे किसको कर सकते हैं, हमने बोला कि टू एक दो पॉइंट रखने वाले हैं, अब दो पॉइंटर्स रखने वाले हैं, बस उसको ट्रैवल कैसे करेंगे, वो भी हमने देख लिया कि एरे में है, एरे में एक पॉइंटर आगे रखेंगे, एक पॉइंटर पीछे रखेंगे एंड स्वैप कर देंगे. तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्वैप का कोड एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस तो हमें दो पॉइंटर्स मैनेज कर रहे हैं एंड उसके बाद अपने एलिमेंट्स को स्वैप कर देना है यहाँ पे, बस इतना ही है इस कोड में. तो पहले हम देखते हैं कि स्वैप का कोड कैसे, मतलब एक बार स्वैप का कोड रिवाइज कर लेते हैं, देन आगे प्रोसीड करेंगे इसमें. तो ठीक है,
कोड देख लेते हैं आप एक बार, सेप टू नंबर्स। सपोज कि हमारे पास एक ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, एंड हमें इन दोनों को स्वैप करना है। एक काम करो, एक वेरिएबल लगा, सबसे पहले क्या करते थे, एक वेरिएबल बनाते थे इन टेम्प इज इक्वल टू, इसमें रख लो बी कर दो, एक कर दो बी के इक्वल, एंड बी को कर दो एक इक्वल, यहाँ पे सॉरी ए कर दो। देखो क्या हुआ, सबसे पहले टेम्प में आ गया 2, ए की वैल्यू पहले ए की वैल्यू 2 थी और बी की वैल्यू 5 थी, हमने क्या किया बी में एक ए में डाल दिया बी की वैल्यू, ए की वैल्यू हो गई 5 और बी में डाल दिया टेम्प, टेम्प में क्या है 2, यहाँ पे कर दो टेम्प, टेम्प में क्या है 2, सैप हो गया। बस हमें इतना ही करना है, अभी सेम चीज हमें यहाँ पे प्रोसेस करनी है। तो फिर ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, इस कोड में क्या करने वाले हैं हम, कि सेम अपना बस एरे में क्या करेंगे, 2 पॉइंटर रखेंगे, एक पॉइंटर रखेंगे फर्स्ट इंडेक्स पे, एक पॉइंटर रखेंगे लास्ट इंडेक्स पे, एंड उन दोनों जो भी पॉइंटर्स हैं उनको स्वैप कर देंगे। इसलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा कुछ एरे है ऐसा 0 1 5 7 4, इंडेक्सिंग क्या है 0 1 2 3 4, ये हमारे इंडेक्स एरे की, एक पॉइंटर रखो जीरो से स्टार्टिंग में, एक पॉइंटर यहाँ एक पॉइंटर यहाँ। अब क्या करो, स्वैप कर दो, स्वैप करना है हमें, स्वैप करना है यहाँ पे एरे के वैल्यूज को। सबसे देखते हैं करने क्या वाले, अगर स्वैप हमें तो सिर्फ एक ही मतलब, अगर ऐसा थोड़ी है कि हम इनको स्वैप कर दे इनको स्वैप करते हमारा काम हो गया, नहीं, हमें पूरे एरे के वैल्यूज को स्वैप करना है ना। तो हमें क्या करना है, एक लूप चलाना पड़ेगा वाइट, अब हमें पता नहीं है कहाँ तक लूप चलाना है, बस चलाना है लूप इतना पता है, ठीक है। अब देखो कि हमें क्या करना है, स्वैप करना है, तो सबसे पहले वही इन टेम्प ले लो, अभी नहीं पता टेम्प में क्या रखना है, देखो कि एरे ऑफ आई पे मतलब एंड यहाँ पे आई और जे, आपको पता है एक हमें वेरिएबल लेने पड़ेगा इंट आई इक्वल टू 0 और इंट जे इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1, हमने दो वैल्यू ले ली, आई की वैल्यू ले ली, जे की वैल्यू ले ली, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को स्वैप करना है। देखो सबसे पहले क्या करो, एरे ऑफ आई पे जो वैल्यू पड़ी है ना उसको स्वैप कर दो एरे ऑफ जे से, ये हमने कर दिया, और एरे ऑफ जे पे जो वैल्यू पड़ी है उसको स्वैप करना है एरे ऑफ आई से, बट हमने क्या किया, एरे ऑफ आई को तो यहाँ पे चेंज कर दिया इससे पहले, इसलिए पहले क्या करो एरे ऑफ आई को यहाँ रख लो, रख लिया हमने, अब बस यहाँ पे डेल एरे मतलब टेम्प डाल दो लास्ट में अपना, हमें क्या करना है, पहले 0 पे थे इसको यहाँ पे था तो इसको बढ़ा दो, इसको आई इसको 1 पे ले जाओ, इसको 3 पे ले जाओ, तो मतलब क्या जे वाला हमारा जो लास्ट पॉइंटर है वो 1 से घटता है, और जो हमारा आई आई वाला पॉइंटर है मतलब आगे वाला पॉइंटर है 1 से बढ़ता है, मतलब हमें 0 से 1 जाना है, 4 से 3 आना है, मतलब क्या एक ये वाला पॉइंटर 1 से बढ़ रहा है और ये वाला पॉइंटर 1 से घट रहा है, तो हमारा i प्लस इसको i वाला पॉइंटर ये, क्योंकि i वाला पॉइंटर आगे चला रहे हैं, j वाले पॉइंटर पीछे चला रहे हैं, तो आगे वाले पॉइंटर क्या i था उसको i प्लस प्लस कर दो, और j वाला पॉइंटर था पीछे वाला पॉइंटर था j तो उसको कर दो j माइनस माइनस, बस इतना कोड हो गया हमारा। और इसमें क्या लिखे, इस वाले कंडीशन वाइल में जब तक i की वैल्यू नॉट इक्वल टू j हो जाती, तब तक पहले i 0 था फिर 1, पहले i 0 था तो j 4 था, फिर i 1 तो j 3, फिर i 2 तो j भी 2, तो इक्वल हो गए, और ऐसे भी वैल्यू अगर स्वैप रिवर्स करोगे तो ये वैल्यू 5 ही रहेगी हमेशा। देखो जैसे 4 3 5 1 0, देखो रिवर्स करके 5 अपने सेकंड इंडेक्स पे ही है, देखो 0 1 2 3 4, देखो यहाँ भी सेकंड इंडेक्स पे, तो भाई जब वाइल आपकी आई की वैल्यू नॉट इक्वल हो जाए तब तक आपको ये काम करना है, बस इतना ही था। इसमें एक कोड कर लेते हैं एक बार, ठीक है इसको कोड कर लेते हैं पर, एंड यहाँ पे ये सब एरे इनपुट वगैरह, एरे को इनपुट वगैरह जो हमने लिया है वो सब वहीं रखते हैं, बस जो हमारा रिवर्स का कोड था उसको चेंज करने वाले हैं अभी इस वाले यहाँ पे एग्जांपल में। तो इसको क्या करो, न्यू एरे हमें नहीं बनाना है, सब कोई यूज नहीं है, बस हमें दो वेरिएबल चाहिए इंट आई और जे, इंट आई तो 0 पे, आई तो 0 पे रहेगा भाई सर, और हमारा जे रहेगा एरे डॉट लेंथ -1, ये हमने कर लिया। बस क्या करो, एक वाइल लूप चला दो हम आई नॉट इक्वल टू जे तब तक ऐसा तब तक चला दो, और एक ले लो टेम्प वेरिएबल, कहीं पता नहीं है क्या रखना है इसमें, नीचे आ जाओ अब बना लो एरे ऑफ आई पे जो वैल्यू पड़ी है उसमें डाल दो एरे ऑफ जे, और एरे ऑफ जे पे जो वैल्यू पड़ी है उसमें डालना है हमें एरे ऑफ आई, तो एरे ऑफ आई में डाल दो टेम्प और टेम्प में कर दो एरे ऑफ आई, हमने कर दिया। बस क्या, अब हमें अपने पॉइंटर्स को इंक्रीज करना, डिक्रीमेंट करना, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, इतना कर दिया हमने, बस कुछ नहीं, अपने एरे को यहाँ पे प्रिंट कर दो, एंड यहाँ पे रन करके देखते हैं कोई एरर ना ही नहीं हो तो सही है। फिर से इनपुट देते हैं एक बार 5 1 2 3,
इनपुट दे दिया हमने, अब देखते हैं रिवर्स हो रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई एरर है क्या। ओके अच्छा, हमने यहाँ पे आई क्या किया है, ऊपर ऊपर पहले डिक्लेयर कर लिया है, बस यहाँ पे हमें इंट हटाना है, हमने ऊपर आई पहले से बनाया हुआ इंटीजर टाइप का। देखो रिवर्स हो गया हमारा 5 4 3 2 1, तो सेम लॉजिक था, बस पहले वाले जो हमने इससे पहले का कोड देखा था उसमें क्या था, हम एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे थे अपने एरे को रिवर्स करने के लिए, बट यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, सेम एरे में ट्रेवर्स करके ऑफ वन टाइम में, सॉरी ऑफ एंड टाइम में एंड ऑफ वन स्पेस के साथ रिवर्स कर दिया अपने एरे को। तो ठीक है, ये आई होप ये समझ में आया होगा।